पेपर देके आए, पानी वानी पी ले, शांत हो जाए। सर आपका नाम बताएं? बंसीलाल राजपुरोहित। अच्छा, और सर आप? हरदीप सिंह। अच्छा, मेरा नाम हर्षिता है सर, जारफ अड्डा से हूँ। हम डेफिनेटली बच्चों की हेल्प करने के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। कैसा था सर पेपर? पेपर ठीक था, लेवल का था। और जो अपन वहाँ देते तो वो थोड़ा अलग था, और उस टाइम लगा कि थोड़ा इजी था वो पैटर्न। ऑफलाइन बेटर है, ऑफलाइन में टाइम वगैरह वो सारी चीजें भी अपने से मेंटेन हो पाती है, और ये थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अच्छा, कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा उतावल में करना पड़ा। अच्छा, मैथ कैसी थी सर? मैथ ठीक थी, लेवल की थी, इतनी नहीं थी डिफिकल्ट। रीजनिंग में क्या पूछा था? रीजनिंग में वही एबीसीडी वाइज जो क्रम वाइज आते ना, सीक्वेंस, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अच्छा, और ये अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस पे था सर? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे मैडम दो, एक तो फर्स्ट पेपर में थे और इंग्लिश लिटरेचर वाले में पेपर में भी थे। आपको याद आते हो कम्युनिकेशन के, आईसीटी के, सो दैट हम बच्चों को जो नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं उनको पता चले की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आया था, ये भी आया, इस बार भी आया था, पहले भी आया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अच्छा, कॉन्शियसनेस से? हाँ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आए थे, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से थे कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, और तो यही लिटरेचर के जो डीआई किस पे था सर? डीआई याद आता है? डीआई का तो पता नहीं मुझे। अच्छा, पर चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। ओवरऑल अच्छा हुआ पेपर, एंड वी आर थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले वाले से इजी था? पिछले वाले से इजी था, कैंसिल हुआ था उससे इजी है। तो कौन सा वाला बेटर है? ये वाला अच्छा है, पिछले वाले जो कैंसिल हुआ था उससे अच्छा हुआ है। कोई प्रॉब्लम हुई सर स्क्रोलिंग में कंप्यूटर में? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ स्मूथ चला है। तो कोई क्वेश्चंस बता दो जो बच्चे नेक्स्ट पेपर देने वाले हैं। क्वेश्चन तो पढ़ो जितना पढ़ सकते हो लैंग्वेज को। अच्छा, आपका जो सब्जेक्ट है उसको पूरा पढ़ो। मैडम जी, अरे पढ़ाई की जो मैराथन चलती है क्या? जी सर, बहुत, हम तो रोज मैराथन। तो इसकी मैराथन भी देखी थी हमने, उसके मैराथन से कुछ क्वेश्चंस मिल रहे थे मैडम। अच्छा, पीडीई के कोई क्वेश्चन याद आते हैं सर? पीडीई हायर एजुकेशन से क्या पूछा है? ये थे रिसर्चर के, ऐसा कुछ थे रिसर्च से, पर वो बहुत हाई लेवल के थे, स्कूल लेवल के नहीं थे। पूछ रहे थे मतलब क्रॉनिकल्स, जो सीक्वेंस था ना क्रॉनिकल्स, क्रोनोलॉजी वाले, क्रोनोलॉजी, देन द लिटरेचर, पोइट्स नेम, सीक्वेंस। और एक डी आई का भी था। डी आई किस पे था सर? गाड़ियाँ सोल्ड किस पे थी? मार्केट नॉर्मल क्वेश्चन था सीधा, मतलब किलोमीटर का भी था एक कार, 60% 90 डिग्री ऐसे कुछ, वो टाइम एंड वर्क का भी था। अच्छा, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आया था। अरे मतलब बता रहे हो, डूएबल है, जिसने पढ़ाई करी है तो अपन ये नहीं बोल सकते कि बहुत डिफिकल्ट था। थैंक यू।